हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून इसलिए क्योंकि आफ्टरनून हो चुका है, 12 बज चुका है, 12 हमारा बज चुका है और टाइम का भी बज चुका है क्योंकि आज ग्रहण है और हमें खाना पीना कुछ नहीं है। बच्चों को बस, बच्चों सुबह उठे भी लेट, उनको 10 बजे उठाया बच्चों को, हम तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे, बज लगेगा। और उनको बस मैगी बना के दे दिया है, बच्चों नहीं रह पाएंगे, 2 बजे तक नहीं रह पाएंगे, तो बच्चों मैगी खा लिए। हम लोग बस हबी और मैं चाय और बिस्किट खाए थे। 12:30 बजे तक मम्मी बोली थी कि कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है, पर कैसे होगा, बच्चों का घर है तो बच्चे तो खाएंगे और मैं भी कुछ पानी भी नहीं पीकर मैं कल रात से आज 2 बजे तक नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। तो कल तो जल्दी जल्दी हम लोग खाना खाए, हबी को बोल रहे थे क्योंकि कल हमारा भी डिनर भी बहुत लेट हो चुका था। वैसे पका हुआ खाना, पका हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए, तो हम पकाया नहीं बच्चे के लिए, पर बच्चों के लिए मैं मैगी बना के दी उनको, नहीं तो वो तो 2 बजे तक बिल्कुल नहीं रह सकते। अब बज रहा है 12:15 ऐसा कुछ बज रहा होगा, तो मैं सोचा अभी तो नहाया भी नहीं, नहाऊंगी 2 बजे के बाद ही नहाना है। मम्मी बोली 2 बजे से पहले बिल्कुल नहीं नहाना, तो नहीं ठीक है ना, बिना नहाए तो रह सकते क्योंकि अभी तो ठंडी का टाइम है, ओके प्रॉब्लम नहीं। बिना खाना खाए भी रह रहे, पर अभी मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ, कट करके सारे चीज मैं रख दूंगी, तो 2 बजे जैसे 2 बजेगा फटाफट नहा के मैं खाना बना दूंगी, क्योंकि उसके बाद 2 बजे अगर खाना बनाना शुरू करूंगी तो मेरा खाना बन मिनिमम 1 आवर तो लगेगा ही मुझे, क्योंकि 2-3 टाइप का खाना बनता है संडे के दिन, तो 3 बजे तक हो जाएगा ऐसे कुछ जल्दी जल्दी जो होगा मैं वही बना दूंगी। तो 3 बजे हम करेंगे आज, 3 या 3:30 बजे करेंगे हम हमारा आज लंच। तो इसलिए बच्चे को भी बोला सोने दो, 10 बजे से पहले उठाएंगे नहीं, क्योंकि फिर उठ गए तो उनको जल्दी जल्दी भूख भी लगेगा, तो बच्चे उठे 10 बजे दे दिया। और मैं कल भी कुछ रात, मैं सैटरडे रात को एडिटिंग नहीं करती हूँ, तो आज सुबह उठकर हबी और मैं मिलकर एडिटिंग कर रहे हैं। एडिटिंग का काम भी खत्म हो गया है, अब वीडियो को पोस्ट कर दूंगी। मेरा ब्लॉग सैटरडे का ब्लॉग संडे को थोड़ा लेट में जाता है, 12:30 बजे जाता है या 1 बजे, कभी कभी 1 भी बज जाता है। तो प्लीज आप लोग देखिए मेरा सैटरडे ब्लॉग, तो देखे होंगे, नहीं देखे तो इस ब्लॉग को देखने के बाद आप सैटरडे ब्लॉग पे जाकर देखिए एक बार। फिर अभी चॉपिंग करूंगी वेजिटेबल, और मैं रात के लिए भी जो वेजिटेबल बनाऊंगी एक ही साथ में चॉपिंग कर लूंगी, तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई, नीचे बैठ के चॉपिंग कर रही हूँ। थोड़ा ज्यादा वेजिटेबल होता है तो मैं नीचे बैठ के चॉपिंग कर लेती हूँ, तो अच्छे से बैठती हूँ शांति से, एक एक को चॉपिंग करती हूँ। और आज मैं बहुत सारा खाना बनाऊंगी, तो ये बनाऊंगी मैं आज फूलगोभी, तो रात को बनाऊंगी पर कट करके रख दूंगी, ये फूलगोभी और ये पत्ता गोभी, ये वाला सीम इसके साथ पत्ता गोभी को मिला के बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। ये रेसिपी मैं शेयर करूंगी, ये तो मैं लंच में बनाऊंगी। और एक मिक्स करी, मिक्स करी तो भाभी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। और मिक्स करी में मैं डालूंगी ब्रिंजल पटाटो और कॉलीफ्लावर का स्टेम लीव्स, ऐसा वाला छोटा छोटा कट करके, एकदम छोटा छोटा कट करना है, बारीक कट करना है, कट के इसके अंदर वो ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर को देकर टमाटर भी एक दूंगी। तो एक वो सूखा वाला एक सब्जी होता है, वो राइस के साथ अच्छा लगता है, तो मैं बनाती हूँ कभी कभी, जैसे जो स्टेम अच्छा होता है कॉलीफ्लावर का फ्रेश होता है वो डालती हूँ मैं। अगर आपको पसंद आया वो रेसिपी तो आप भी बनाओ, और रोटी के साथ भी आप खा सकते हो, और नॉर्मल राइस के साथ भी, स्टीम राइस के साथ भी आप खा सकते हो। इस टाइप का मैं कट की हूँ, सब वाला पत्ता को ही करेंगे, इसको ऐसे निकाल देंगे, इसको छोटा छोटा करके कट करेंगे।
ऐसे आज तो दिन बैठ बैठ के कट ही नहीं रहा है, दिन जा ही नहीं रहा है। और अभी पोस्ट कर रही हूँ, एडिटिंग का काम खत्म हो गया है, वीडियो पोस्ट करूंगी। आज ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ काम नहीं रहता है ना तो और भी लेजी हो जाते है ना। और पेट में कुछ नहीं पड़ेगा तो रुक बाबू। और इसका तो बाज आज मम्मा मम्मा, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया है, 1 o'clock हो गया, और 1 घंटा रहना है अभी। जैसे जैसे करके 1 घंटा निकल देंगे, इतना अच्छा होता आज हम 12 बजे उठते थे। हमारा आदत है ना 6 बजे, 6:30, 7 बजे मेरा आँख खुल जाता, शायद कभी मैं 8 बजे तक सोती हूँ। ये तो सच है, मैं तो कितने बार बोलता हूँ कि सो जाओ, देखो इसलिए बोल रहे हो, इसलिए बोलते संडे को, संडे को भी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो खाना कौन तुम्हारे लिए लंच फिर बनाएगा, मैं सो जाऊंगी। आज क्या बना रहे हो मेरे लिए? कुछ भी नहीं बनेगा आज तो, मैं भी सो जाऊंगी। मैं बना लू? हाँ प्लीज बनाओ। क्या बनाओ? तो देखते हैं। देखो क्या बनाओ। क्या बनाओ? सब्जी काट करके रखी हूँ, 3 टाइप का सब्जी बनाना है, बना लू। फूलगोभी का बना, आज बना लो कल बना लो। नहीं नहीं आज तुम बनाओ, मैं तो अभी सोऊंगी ना, अब आ गए लाइन पे, इसलिए ज्यादा मत उड़ो ऊपर। और ये हमारा चावल ऐसे रख देते हैं, आज मंदिर में जाएगा पुजारी को देते हैं। और आज हम भी पूजा करेंगे, मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और अभी 2:30 होने को जा रहा है, और मैं नहाकर आकर फटाफट चावल और दाल बिठा दी हूँ, और सब्जी भी बिठाऊंगी। इसलिए तो मैं पहले ही सब्जी को कट करके रख दी थी, तो थोड़ा मुझे टाइम मिल जाएगा जल्दी जल्दी बनाने के लिए। और यहाँ पे चिकन को बाद में क्लीन करूंगी, अभी ये बना दूंगी। इतना लेट हो चुका है, अब खाना बनाऊंगी तो कब खत्म होगा मालूम नहीं। और मैं अच्छे से, मेरा हेयर भी सूखा नहीं है, पर मैं ऐसे ही आ गई, पहले खाना बिठा दूंगी। और मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी, बच्चों को तो पूछो मत। और ये पत्ता गोभी का सब्जी बिठाऊंगी, और इसका रेसिपी मैं दे देती हूँ क्योंकि नया रेसिपी है, नया रेसिपी तो देने में अच्छा लगता है। तेल गर्म होने के बाद मैं डालूंगी अब इसमें 5 फोड़न और 2 चीज ड्राई रेड चिली, ऐसे ही तोड़ के डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें हींग, अब डालूंगी पोटैटो। पोटैटो को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पत्ता गोभी, थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, उसके बाद मैं नमक हल्दी मिर्ची पाउडर सारा चीज डाल दूंगी। और यहाँ पे हो चुका है मेरा दाल, अब बिठाऊंगी ये कॉलीफ्लावर स्टेम और ग्रिंजल आलू का करी, मिक्स करी। तो मैं तो ये तो कुकर में कर दूंगी, जल्दी हो जाएगा। और मेरी हेयर पूरे गीले है, बांध दूंगी इसको, बांधूंगी तो सूखेगा नहीं। कुकर में तेल डाल दिया है, ये भी दिखा देती हूँ, साथ साथ में दोनों का रेसिपी ही दिखा देती हूँ एक साथ साथ। ये भी तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 5 फोड़न, फिर 2 रेड चिली, थोड़ा सा हींग, और अभी वेजिटेबल डाल दूंगी। अब डालूंगी इसमें नमक, चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर। अब डाल के अच्छे से मिला के 1-2 मिनट बस भून के पानी दे दूंगी। अब टमाटर डाल दूंगी, और गोभी में मैं डालूंगी नमक, चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी ढक दूंगी गोभी को, आधा कप पकने दूंगी, उसके बाद मैं सिम डालूंगी। अब चिकन के लिए
हल्दी नमक डाल दिया है, अब डालूंगी मैं चिल्ली पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। सारा मसाला डाल के ही मैं बना दूंगी एक साथ में चिकन कोसा। सारे चीज एक साथ ही बिठा दूंगी, चिकन भी बिठा दूंगी। अभी चिकन तो जल्दी हो जाएगी। क्या बना रहे हो? चिकन बना रही हूँ, जो तुम्हारा कोई काम का नहीं तुम्हारा काम का बेटा है। मिक्स करी और पत्ता गोभी का सब्जी। नींबू पानी पियोगी? हाँ हाँ जल्दी, वो को उनको बहुत अच्छा से बनाना आता है, नींबू पानी नहीं तो मैगी, वो भी बड़ी बात है। बना लो बना लो, मुझे तो दो ग्लास पीऊंगी आज। और थोड़ा शुगर ज्यादा डालना आज भाई, शुगर डालना आज, अच्छा लगेगा थोड़ा। ये हो गया चिकन मैरिनेट, मैरिनेट के 5 मिनट के अंदर बिठा दूंगी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी, आधा ग्लास डालूंगी और कुकर में सीटी लगा दूंगी, 2 सीटी लगाऊंगी। और ये कुकर को पीछे कर दूंगी शिफ्ट। अब इसमें बिठाऊंगी चिकन, प्याज को चॉप कर लेती हूँ इसमें ही कर दूंगी, ये तो बहुत आसान है। लो मुझे दो, स्लो 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 ज्यादा जोर मत लगाओ नहीं तो वो टूट के आ जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया बस 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 करो, अच्छा है। लो देखो कैसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कढ़ाई में तेल डाल दूंगी, उसके बाद प्याज डालूंगी और सारा मसाला जो मैंने करके रखी थी, पानी पानी नींबू पानी। ओ थैंक यू, इंस्टेंट एनर्जी। थैंक यू थैंक यू। एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर हुआ है। लेट तो हो चुका है, और थोड़ा लेट हो जाएगा, बच्चों को भी दे दो। और थोड़ा कर देता पेस्ट, मिक्स करी तो हो गया है। और एक सीटी के बाद बंद कर दूंगी। और ये तेल में मैं इलायची और ये स्टार अनियन को थोड़ा डाल दूंगी, उसके बाद ये प्याज डाल दूंगी। ये मैं आज बना रही हूँ चिकन कोसा, बोली थी या नहीं मैं भूल गई हूँ। अब ये पत्ता गोभी के अंदर मैं ये सीम डाल दूंगी। और ये मेरे हबी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, हाँ ना गुड्डू? हाँ, बहुत दिनों के बाद। और ये बहुत दिनों के बाद भी बन रहा है। और इसमें लास्ट में अदरक का पेस्ट मैं इसमें दूंगी, और कुछ नहीं, और थोड़ा शुगर जाएगा इसमें। प्याज भून गया है, अब मैं डाल दूंगी ये सारे चिकन। अब डालूंगी टमाटर, फिर थोड़ा पानी दे दूंगी, ये जो मसाला कढ़ाई में मसाला था उसमें थोड़ा पानी दे दूंगी थोड़ा। और ये चिकन को तो ज्यादा ही भूनना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम ही कोसा चिकन है। कोसा मीन्स भुन्ना को हम लोग कोसा बोलते हैं, और जितना भुनेंगे उतना अच्छा लगेगा। ओडिया में बोलते हैं कोसा मांसो, कोसा मांसो ना। आज तो जो बोल रहे बस खाना नहीं गया पेट में, इसलिए उनका आवाज नहीं निकल रहा है। ये हो गया देखो, हो गया यस। अरे इनको एक काम दी थी अदरक को कूट कर देने के लिए, इतना इतना थोड़ा सा ही अदरक डालूंगी। और ये सिलपट्टा में अच्छा होता, पर सिलपट्टा वहां पे पड़ा है गंदा होकर, अभी उसको क्लीन करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बोला इसे ही ग्रेट कर दो। थोड़ा सा लेमन जूस पी लिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा एनर्जी आ गया है।
चिकन कोसा का कलर बहुत अच्छा आया है और चिकन कोसा मैं बहुत दिन के बाद खाऊंगी। चिकन कबाब तंदूरी ये सब ज्यादा बच्चे को पसंद है, जूस वाला खाते है और उनको ज्यादा पसंद है कबाब तंदूरी इस टाइप। मुझे तो ना पसंद है, मैं ये खाती हूँ, सब खा लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं। पत्ता गोभी भी पक गया है, मैं सोच रही थी पकेगा या नहीं, अच्छे से हो गया है। और थोड़ी देर के बाद बस इसमें थोड़ा सा शुगर, हाँ टीस्पून से भी कम शुगर डालूंगी और ये अदरक डाल के थोड़ा सा मिला के रख दूंगी। हो गया खाना बनाना, कितना टाइम लगता है। अब इसमें इतना शुगर डालेंगे बस, बहुत ही कम, और ये अदरक, अदरक का पेस्ट। गैस बंद कर देंगे। हो गया हमारा ये पत्ता गोभी का सब्जी। हो गया हमारा चिकन कोशा। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, अब गैस को बंद कर दूंगी। और ये रहा मेरी मिक्स भेज करी, इसमें भी थोड़ा धनिया पत्ता डालूंगी। और ये रहा संडे का मेन्यू, व्हाइट राइस, और ये रहा दाल, अरहर दाल ले, और ये है मिक्स भेज करी, ये ब्रिंजल आलू और फूल गोभी का स्टेम मिला के बनाई हूँ। ये रेसिपी आप एक बार ट्राई कीजिए, होप आप लोग सबको अच्छा लगेगा। और ये है पत्ता गोभी और सीम का करी, ये तो मस्ट मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप इसको एक बार जरूर बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है ये वाला रेसिपी। और ये है चिकन कोसा, ये हमारा फेवरेट डिश है, और वो पत्ता गोभी हबी का। ये है चिकन कोसा और ये है पत्ता गोभी आलू और सीम का सब्जी, और ये मिक्स भेज करी और दाल, हमारा संडे लंच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और खाना खाकर हम लोग सो गए थे, मैं तो अभी अभी उठी, बस किचन क्लीन करके मैं सो गई थी। अरे ये इधर कर रहे काम, इसलिए आपको खर्र खर्र साउंड आएगा।
आज लेट में आया सरिता? आज तुम भी सो गए थे ना क्या? नहीं सो गया, नहीं मेरी ननद आई थी। ननद आई थी? अच्छा चला गया। तो आज आई नहीं करती, मैं भी सो गई थी। तुम आकर उठाते हो ना दोपहर को? तो आज संडे है तो सबके घर में कोई किसी के घर में गेस्ट कोई अच्छे से सोया। हम तो खाना भी आज लेट में ही खाए, खाकर सो गए थे। तो उसको लग रहा है मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, वो तो फिर मुझे देख रहा है। हाँ दीदी किसके साथ बात कर रहे करके मालूम हुआ? अच्छा ये सस्पेंड उधर है क्या, बड़ा वाला? हा? बड़ा वाला सस्पेंड क्लीन कर रहे हो? कुकर सस्पेंड चाय बनाने के लिए। हो गया क्लीन? हो गया दे दो। हाँ दे दो। और उधर सस्पेंड पड़ा है। और बनाऊंगी अब इवनिंग का टी, ग्रीन टी पियाना चाय खाली। हाँ कौन? ग्रीन टी, ग्रीन टी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और आज अदरक वाले चाय पीते। अब नहीं जाओगे फिर उधर से? डिसाइड कर दिया? वेरी गुड थैंक यू। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। दोनों ने मिलकर किए। सुबह तो विश कर लिए थे पर कार्ड नहीं बनाए थे। आई डिड द ड्रॉइंग, आई डिड द कलरिंग। ओह, और ये रहा हैप्पी फादर्स डे वाला कार्ड, बच्चों ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू, वेरी नाइस। ठीक है चलो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम हमारा ब्लॉग को आज यहीं पे ही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।